फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक और पोलराइजर का वीडियो मैं लाया हूं। आप देख सकते हैं कि इसमें पोलराइजर कितना जला हुआ है, किस तरीके से जला हुआ है, साइड से देखने पे कैसा दिखता है और सामने से कैसा दिखता है। पोलराइजर हर एलसीडी में अलग अलग तरह से बर्न होता है, जलता है और आपको देखने में भी जो है पिक्चर अलग अलग दिखाई देगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि पोलराइजर जले में कैसा दिखता है, बिना पोलराइजर का कैसा दिखता है और पोलराइजर कैसे निकालना है। हालांकि निकालने के बहुत सारे तरीके हैं पोलराइजर के, लेकिन मैं आपको एक अपने तरीके से दिखाता हूँ कि पोलराइजर कैसे निकालना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं जहीर खान मुंबई से, जेडम इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है पिक्चर। स्टिकर्स आपको निकाल देना है पहले ही, और उसके बाद से जो है आपको टीवी ओपन नहीं करना है। टीवी को सीधा रख के और पेपर कटर से आपको पोलराइजर फिल्म को कट करना है, जैसा कि मैं कट कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको पोलराइजर फिल्म को कट करना है और बहुत हल्के हाथों से आपको पेपर कटर चलाना है, उसको दबा के नहीं चलाना है, प्रेस ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपका पैनल ख़राब हो जाएगा। तो आप जब भी पेपर कटर पैनल के ऊपर चलाते हैं तो आपको जो है पेपर कटर को हल्के हाथ से चलाना है, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, ज़्यादा दबाना नहीं है। चारों कॉर्नर से पेपर कटर से आपको पोलराइजर कट कर लेना है, और कट करने के बाद फिर आपको जो है उसको अलग अलग कुछ भागों में कट कर देना है ताकि निकालना आसान हो जाए। और हमें पैनल पे जोर नहीं देना है, ज़्यादा पैनल पे ताकत नहीं लगाना है। पोलराइजर निकालते समय बड़े आराम से निकालना है, और पोलराइजर को देख के ही पता चल जाता है कि मतलब ये आराम से निकलेगा या नहीं। तो जिस तरह का पोलराइजर जला हुआ हो वो उसी तरह से आपको तरीके यूज करने हैं। अगर ज़्यादा जला है तो अलग तरीके से, कम जला है तो अलग तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये पोलराइजर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, और इसीलिए जो है इसको निकालना थोड़ा आसान है। मैं तो वीडियो बनाने के लिए जो है टीवी ऑन रखा हूँ, और आप सबको अच्छे से समझा सकूँ पोलराइजर के बारे में, इसलिए मैं चालू टीवी में जो है पोलराइजर निकाल रहा हूँ। आप सब जब भी काम करते हैं तो टीवी बंद रखना, आपको टीवी चालू रखने की ज़रूरत नहीं है, और संयम के साथ आपको फिल्म निकालना है। ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। आप देख रहे होंगे कि मैं कितना आराम से जो है फिल्म निकाल रहा हूँ। अभी देखिए, मैं पेपर कटर को और एक बार यूज किया, अभी ये दूसरी बार हुआ, इसलिए ताकि फिल्म जो है वो टुकड़े टुकड़े में हो जाए और निकालना आसान हो जाए। अगर आपका पोलराइजर कहीं पे निकालने में थोड़ा सा परेशानी लगे तो आपको दोनों हाथ का सहारा लेना है। एक हाथ से पैनल को प्रेस करके रखिए हल्का, और फिर दूसरे हाथ से पोलराइजर को धीरे 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 रिमूव कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से, ताकि पैनल आपका खींचे नहीं और पैनल में लाइन आने का कोई चांस न रहे। नहीं तो बहुत सारे फ्रेंड जो है पोलराइजर चेंज करने के चक्कर में वो
नुकसान कर बैठते हैं, स्क्रीन में लाइन आ जाता है या टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना है जिससे कि आपका पैनल सही सलामत रहे, टूटे नहीं, उसमें लाइन नहीं आवे। तो यह सब तभी मुमकिन है जब आप संयम के साथ काम करेंगे, आराम से काम करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मैं पोलराइजर रिमूव कर रहा हूँ। आपको भी पोलराइजर वैसे ही निकालना है। यह पोलराइजर का वीडियो है तो ज़्यादा कुछ आपको जो है इसमें अलग अलग तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सही से पोलराइजर कैसे निकालना है यह आप अच्छी तरह से इसमें सीख जाएंगे। और संयम रख के आप वीडियो को देखें, फास्ट फॉरवर्ड ना करें। आपको मैं अलग अलग तरीके से हर एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, पोलराइजर का एक टुकड़ा अगर आप हाथ में रखते हैं तो उसको सभी जगह घुमा के आप बराबर पैनल चेक कर सकते हैं। इसमें उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसमें तो सब दिख ही रहा था, ये फिल्म बहुत कम जला हुआ था। लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा जल जाता है उसमें पता नहीं चलता है कि पोलराइजर के वजह से ऐसा फिल्म आ रहा है या स्क्रीन में कोई दिक्कत है, डिस्प्ले ख़राब है। तो इसलिए आप जब भी पोलराइजर चेंज करने जाते हैं तो एक टुकड़ा जो है आप किस भी साइड से जो जहाँ पे थोड़ा कम जला दिखे उसको निकाल के आप सभी जगह जो है चेक कर सकते हैं। हर एक साइड में ले जा के चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे स्क्रीन में दिक्कत है, कहाँ पे नहीं है। अगर आप छोटे से भी पोलराइजर को आप अपने कैमरे के नज़दीक ले जाते हैं तो पूरा टीवी का स्क्रीन आपको परफेक्ट पोलराइज होता हुआ दिखेगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप छोटे से टुकड़े से भी अपने स्क्रीन को सही से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए किस तरीके से जब कैमरे के नज़दीक लाएंगे तो पूरा टीवी कवर हो जाएगा, और जब कैमरे से दूर करेंगे तो आपको पूरी टीवी दिखाई देने लगेगा। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। अब आइए बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है अब उसे रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको रिमूव करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का दो भाग और भी है। यह भी पहला भाग है, पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट टू है, पार्ट थ्री है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया था और चूँकि आपको सही से समझाना था इसलिए मैं सब कट नहीं किया और वीडियो को जो है वो तीन भागों में जो है मैंने डिवाइड कर दिया, बांट दिया। यह पार्ट वन है, यह पहला भाग है। इसको देखने के बाद आप दूसरा भाग भी देख लें और तीसरा भी देख लें, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। तो आपका यह कंप्लीट हो जाएगा, पोलराइजर के बारे में आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा भी मेरे जो है प्लेलिस्ट में, पोलराइजर के प्लेलिस्ट में बहुत सारे पोलराइजर रिलेटेड वीडियो हैं, वह भी आप देख सकते हैं। क्योंकि हर टीवी का पोलराइजर अलग अलग तरीके से जला रहता है और हर टीवी का पोलराइजर जो है रिमूव करने का अलग अलग तरीका भी होता है। तो हर टाइम पे अलग अलग तरीके से हम पोलराइजर को निकालते हैं। तो इसीलिए ऐसा ना सोचे कि एक वीडियो देख लिया तो दूसरे देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने वीडियो देखेंगे उतने तरह का आपको जानकारी मिलेगा, अलग अलग उतना ही नॉलेज आपको मिलेगा। तो आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जो है पोलराइजर वीडियो जो है वो सब आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस भाग में
हम लोग सिर्फ पोलराइजर को रिमूव किए हैं, पोलराइजर कैसे निकालना है वो देखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पोलराइजर निकालने के बाद आपको दिखा रहा हूँ, न्यू पोलराइजर फिल्म जब टीवी के सामने रखते हैं तो फिल्म कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, दूर था तो रेनबो दिख रहा था, और हालांकि यह जो है ये उल्टा है, जो भाग नीचे रहता है गम वाला वो साइड है। नए फिल्म में पता नहीं चलता है कि उल्टा कौन सा है और सीधा कौन सा है, जब तक हम प्रोटेक्शन फिल्म निकालते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी फिल्म रखा तो वहाँ रेनबो बन रहा था, अभी यहाँ देखिए क्लियर बन रहा है, यहाँ पे पिक्चर क्लियर आ रहा है। तो ये अपना सही भाग, सही साइड है, ये ऊपर वाला साइड है, और इसी तरीके से अपना फिल्म इस पर लगाना है। आप देख सकते हैं अभी हमने फिल्म को लगाया नहीं है, प्रोटेक्शन फिल्म निकाला नहीं है, डायरेक्ट जो पोलराइजर मार्केट से आया था उसी को सामने रख के और आपको डेमो दे रहे हैं कि पोलराइजर निकालने के बाद से कैसा दिखता है टीवी में, और पोलराइजर रखने पे कैसा दिखता है, अगर पोलराइजर उल्टा रखा है तो कैसा दिखाई देता है, और पोलराइजर सीधा है तो कैसा दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं, जो आपका पोलराइजर मार्केट से ख़रीदा गया है वो फ्रंट का है या बैक का है। अगर यही पोलराइजर आपका बैक साइड का होगा तो फिर इसमें नेगेटिव पिक्चर बनेगा और पिक्चर क्लियर नहीं रहेगा, रेनबो दिखेगा सीधा रखने पे, तो उसको जब क्रॉस करेंगे तो पिक्चर बराबर आएगा। अगर आपका जो है, अगर सीधे एंगल में पिक्चर बराबर आ रहा है तो मतलब आपका जो फ्रंट का पोलराइजर था वो फ्रंट का ही है, और अगर आड़ा करने पे पिक्चर बराबर आ रहा है तो समझ जाएं आपकी फ्रंट का पोलराइजर यह नहीं है, ये बैक साइड का पोलराइजर है।